Hello everyone, I hope you are doing well. Today is very special day for me because आज मेरा पहला मेकअप वीडियो आने वाला है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा रहेगा, कैसा होगा. अगर आप सबको भी अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई. फर्स्टली पहले आपको क्या करना है, मॉइस्चराइज करना है अपने फेस को अच्छे से. देन आपको प्राइमर यूज़ करना है. मैं प्राइम एंड शाइन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम कलर्स बार कलर्स क्वीन से. एंड देन अच्छे से आपको प्राइम करना है अपने फेस को. देन फर्स्ट पहले मैं आई मेकअप करूँगी क्योंकि हमें ब्लैक स्मोकी आई करना है तो चांसेस हैं कि हमारा आई शेडो फॉल डाउन हो सकता है. तो सबसे पहले आपको अपने अंडर आईज पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर लगा लेना है कि बाद में आप अच्छे से सेट कर सको, वो ब्लैकिश शेड ना आए अगर फॉल डाउन हो आपका आई शेडो. तो सबसे पहले आपको अपने कंसीलर यूज़ करना है. मैं प्रो एच डी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड ऑफ लाइट आइवरी GC 970 में. देन आपको अच्छे से कंसीलर यूज़ करना है अपने आईज़ के ऊपर एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर लेना है. अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं, बट मेरे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स या डार्कनेस नहीं है. जस्ट फॉर गिविंग अ क्लीन लुक टू माई आई शेडो आई एम यूजिंग दिस कंसीलर. अकॉर्डिंगली यू कैन डू दैट. यूज़ करना है सेट करने के लिए अपने कंसीलर को. सो मैं फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड ऑफ 120 क्लासिक आइवरी. एंड देन प्रोफेशनल एच डी आई शेडो पैलेट. एंड देन मैं इसमें से स्किनिश पिंक शेड से शुरू करूँगी टू गिव इट विल गिव अ क्लीन लुक टू माई आई शेडो. देन मैटी शेड लूँगी जिससे कि मेरा ब्लैक स्मोकी आई जैसे कि मुझे करना है तो मैं सेंटर पार्ट पर तक ही थोड़े अपने आई बॉल्स के पार्ट तक ही ये यूज़ करूँगी. देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी अच्छे से फ्रॉम आउटर कॉर्नर टू द इनर कॉर्नर. एंड देन मैं एक ब्राउन शेड का कलर लूँगी जिससे कि मैं कट क्रीज दूँगी और क्लीन लुक दूँगी और मिक्स करूँगी इसे अच्छे से ब्लैक मैट शेड के साथ फ्रॉम आउटर कॉर्नर टू द इनर कॉर्नर्स टू माय आईज एंड एक कट क्रीज लुक दूँगी अच्छा सा. एंड ये आई शेड ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन मेरे आउटफिट पे भी पूरा सूट करेगा इसलिए मैं ब्राउनिश यूज़ कर रही हूँ. एक ब्राउनिश और ब्लैकिश शिमरी शेड लूँगी जो कि मैं सेंटर पार्ट पे लगाऊँगी अपने आईज़ के टू गिव अ स्पार्कलिंग टू माय आई मेकअप. नाइन टू फाइव का लैक्मी का आईलाइनर यूज़ करूँगी. काजल यूज़ करूँगी मैं, ब्लू हेवन की काजल यूज़ कर रही हूँ. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको काजल यूज़ ही करना है. अगर आपको अच्छा लगता है तो यू विल डू दैट, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है देन स्किप इट. बट मुझे मैं प्रीफर करती हूँ काजल लगाना क्योंकि इससे क्लीन लुक आता है. यूज़ द
फिट मी फाउंडेशन इन द शेड ऑफ 115 आइवरी शेड, देन मैं इसे स्प्रेड करूँगी अपने फेस के ऊपर एंड ब्लेंड करूँगी ब्यूटी पैनल से अच्छे से बाय टैपिंग इट। पाउडर यूज करूंगी टू सेट माय फाउंडेशन। कॉन्टोरिंग करूंगी अपने फेस की, उसके लिए मैं मेकअप स्टूडियो का यूज़ करूँगी। ये बेसिकली 3-in-1 है, ये हाइलाइटिंग भी है, इस हाइलाइटर भी है, इसमें कॉन्टोरिंग भी है और ब्लशिंग भी है। देन कॉन्टोर माय फेस मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नेचुरल लुक ज़्यादा बेटर लगता है। अप्लाइंग सम ब्लश फ्रॉम दैट पैलेट ओनली मेकअप स्टूडियो पैलेट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है इसमें ये 3-in-1 है। आई विल यूज सम हाइलाइटर, आई एम यूजिंग मास्टर क्रोम इन द 100 मोल्टन गोल्ड में। शिवाना कलर्स का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है और वाटरप्रूफ है। आई प्रिफर कि एक बार आप ट्राई करके देखें इनके प्रोडक्ट्स। दैट इज माय ओवरऑल आई मेकअप, दैट इज माई ओवरऑल लुक। सो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।